खबर जोधपुर से है, जहां पावटा क्षेत्र में तेज आंधी के कहर ने एक घर में सो रहे तीन लोगों को जिंदगी छीन ली। दरअसल आंधी के चलते पड़ोस के घर में निर्माणाधीन मकान की ईंटों की दीवार ढह गई। इसके बाद छत की पट्टियां टूटकर घर में सो रहे लोगों पर गिर गई और इस हादसे में रसाला रोड निवासी नैनी देवी, विनोद राठौड़ और कोमल की मौत हो गई, जबकि मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल मनीष का इलाज जारी है। साढ़े 11 बजे की रात्रि के आसपास की घटना है, जिसमें उस समय मिल पर सारी रेस्क्यू टीम पहुंची। घर रसल रोड के आसपास जो कॉलेप्स हुआ, छत कॉलेप्स हुई, उसमें चार लोग घर के अंदर पाए गए, जिनको MGH हॉस्पिटल दो लोगों को और दो लोगों को MDM हॉस्पिटल लाया गया। और यहाँ हॉस्पिटल में तीन लोगों की मृत्यु हो गई और एक परिवार के सदस्य उनको अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। और तीन जो चार लोग थे उसमें दो भाई थे, उनकी मदर थी और एक की वाइफ थी, चार लोग थे। और इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस कारण से एग्जैक्टली कॉलेप्स को, तेज़ हवा तो चल रही थी रात 11 बजे के बाद, और डिटेल